हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि मनी ट्री रोबो के द्वारा कैसे इजी वे में इंट्राडे में सेल कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। जनरली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर जो है सेल नहीं कर पाते, हमेशा हर कोई जो है बाई बाई में काम करता है। तो हमको आप हम जो आपको यहाँ पे वेरी इजी वे में जो है आपको बताएंगे कि कैसे जो है लेटेस्ट हर 15 मिनट में सेल स्टॉक कैसे चूज कर सकते हैं और उसे सेल कर सकते हैं और कहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, वो सारी कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि हम आपको हमेशा नए नए ट्रिक्स जो है बताते रहें और आपको वीडियो हमेशा टाइम पे मिलती रहे हमारी पोस्ट की हुई वीडियो। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, ताकि बेल आइकन को दबाने से होगा कि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहेगा हमारे हर वीडियो का। तो सबसे पहले चलते हैं प्रीमियम सर्विस के अंदर में, उसके अंदर हम मार्केट ब्रेथ के अंदर जाते हैं, उसके बाद जो है सब्सक्राइब पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हम लिस्टिंग पेज पे जाते हैं। लिस्टिंग पेज के अंदर हमें मान लीजिए कि जनरली क्या होता है कि हमेशा हाई वॉल्यूम स्टॉक्स में सेलिंग की जाती है, तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स, निफ्टी नेक्स्ट के स्टॉक्स एंड एफएनडो के स्टॉक्स जो है हाई वॉल्यूम स्टॉक्स होते हैं। इनमें आसानी से जो है आप जो है सेलिंग कर सकते हैं। लो वॉल्यूम स्टॉक्स को कभी भी सेल नहीं करना चाहिए, बेसिकली हाई बीटा स्टॉक्स को ही सेल किया जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आपको करना क्या है, मार्केट ब्रेथ में गए, मार्केट ब्रेथ के अंदर में निफ्टी 50 सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद स्टार आइकन को दबाया। यहाँ से हम सिग्नल टाइम देख सकते हैं कि कब जो है कौन सा स्टॉक्स का क्या सिग्नल आया है। हर 15 मिनट में आपको सेलिंग के स्टॉक्स जो है आपको मिल सकते हैं। ये मनी ट्री रोबो की ब्यूटी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहले सबसे पहले आप इसे सिग्नल देखिए, देख सकते हैं सिग्नल, ये सारे इंट्राडे में अच्छे काम करते हैं। आप जैकपॉट सेल भी कर सकते हैं, जैकपॉट सेल का मतलब है उसमें मोमेंटम ज़्यादा है, इंट्राडे का मतलब है कि अभी वो ज़्यादा अभी उसमें ज़्यादा मोमेंटम नहीं आया है। शॉर्ट टर्म सेल का मतलब है कि आने वाले दिनों में ये जो है 2-3 दिन गिर सकता है। तो सबसे पहले चलते हैं हम स्टार आइकन के अंदर में, वहाँ पे जो सिग्नल टाइम देखते हैं। तो सबसे पहले सिग्नल टाइम का हम शॉर्टिंग कर लेंगे, हायर टू लोअर। अब आपने मान लीजिए कि मॉर्निंग ट्रेड में आप सेल नहीं कर पाए, तो मॉर्निंग ट्रेड में सेल नहीं कर पाए कोई टेंशन नहीं है, आप जो है हर 15 मिनट में ऐप जो है ये आपको सेल सिग्नल बताता है और देखिए कि लेटेस्ट अगर मान निफ्टी गिर रहा है तो नेचुरल सी बात है कि आप सेल करेंगे, सेल करना ही बेहतर होगा। तो हाई वॉल्यूम स्टॉक्स में जाइए, नेक्स्ट निफ्टी में जाइए, एफ एंड ओ स्टॉक्स में जाइए। तो चलते हैं, मान लीजिए कि आपने 11 बजे देखा, 11 बजे कौन सा सेल स्टॉक्स आया है उसको देखिए। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं गेल को है जो है 11:15 पे सेल स्टॉक दिया है, ठीक है। तो अब 11:15 पे सेल और 11:15 आप देख रहे हैं उसी समय 11:20 पे देख रहे हैं, तो लेटेस्ट सेल सिग्नल कौन सा आया है। जैसे गेल मान लीजिए आप 11:20 में देख रहे हैं, तो अब देखिए लेटेस्ट सेल सिग्नल इसी का आया, इसका मतलब है कि अभी इसमें डाउनवर्ड प्राइस मोमेंटम ज़्यादा आया है तभी ये सेल सिग्नल दिया है। अब इसका हम रिकमेंडेड प्राइस उसी समय देख सकते हैं, अगर रिकमेंडेड प्राइस सेम है अच्छा है उससे नीचा है तो आप सेल कर सकते हैं। देख सकते हैं गेल का 120 रुपया पे दिया था सेल सिग्नल और जाके बंद हुआ 117 रुपया पे। तो आपको हमेशा रिकमेंडेड के नीचे सेल करना है। आप देख सकते हैं सारा स्टॉक्स जो भी है यहाँ पे सेल सिग्नल के सारे स्टॉक्स जो है रिकमेंडेड के नीचे चल रहे हैं। आप अगर रिकमेंडेड के आसपास 50 पैसा 1 रुपया नीचे भी आप सेल करते हैं तो आप हमेशा इससे प्रॉफिट बना सकते हैं और 1 घंटे के अंदर आपका 1 से 2 घंटे के अंदर प्रॉफिट आ जाएगा। और मान लीजिए स्टॉप लॉस क्या करना है, तो मान लीजिए आपने रिकमेंडेड के 1 रुपया नीचे सेल किया और रिकमेंडेड के 1 रुपया ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, तो टोटल इस तरह का आपका 2 रुपया का स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इजी वे में स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि ये प्राइस एक बार फिक्स हो जाता है तो फिक्स हो जाता है, ये चेंज नहीं होता है फिर। तो इस तरीके से आपको हमेशा स्टॉप लॉस पता रहेगा कि स्टॉप लॉस क्या है,
हमेशा जनरली रिकमेंडेड प्राइस के ऊपर सेल के लिए रहेगा, और बाई जब कर रहे हैं तो बाई 1 रुपया नीचे रहेगा स्टॉप लॉस, रिकमेंडेड के 1 रुपया नीचे रहेगा। तो इस तरीके से आप इसे परसेंटेज में भी कन्वर्ट करके रख सकते हैं। जनरली जो है 1 से 1.5% का हम इंट्राडे में स्टॉप लॉस रखते हैं, तो आप चूज कर सकते हैं। हर 15 मिनट पे आपको जो है ऐप जो है इजी वे में आपको जो है बता रहा है कि कौन सा स्टॉक सेल करना है, कौन सा स्टॉक बाई करना है। तो इजी वे में यू कैन डू इट। तो ये है मनी ट्री रोबो की ब्यूटी इजी वे में सेल करने की। अगर आप टेक्निकल यहाँ से देखना चाहें तो भी आप यहाँ से टेक्निकल क्लिक करके देख सकते हैं। ईजीओ में यहाँ से देख सकते हैं, सारा चीज़ एनालिसिस कर सकते हैं। अगर और भी कुछ यहाँ देखना है तो आप देखिए कैसे देख सकते हैं। ईजीओ में बहुत कुछ यहाँ पे वॉल्यूम एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, आप काउंटर देख सकते हैं। अब देख सकते हैं कौन सा काउंटर जो है किसमें ज़्यादा मूवमेंट है, यहाँ काउंटर को क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप इजी वे में एनालिसिस फटाफट मॉर्निंग ट्रेड में भी कर सकते हैं। और ये एनालिसिस करने के बाद ये कौन से बॉक्सेस में आया है, ये ऑटो सिग्नल के आसानी से आप हर स्टॉक्स का देख सकते हैं। जो बॉक्सेस आपको फेवरेट है, जिस बॉक्सेस में आपको पता है कि इस बॉक्स में जब चला गया है इसका मतलब है कि वो पक्का गिरेगा, तो इस तरीके से श्योर शॉट आप अपना बना सकते हैं। इससे प्रोबेबिलिटी आपकी हाई हो सकती है। तो थोड़ा सा अगर आप मेहनत करेंगे तो बहुत ही अच्छा से इसके अंदर में आप शॉर्टिंग के लिए स्टॉक्स निकाल सकते हैं। ये है मनी ट्री रोबो की ब्यूटी। आप लोग इसे इंजॉय कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।